ईडी रा चढ़ाऊ जारी। नेशनल हेराल्ड ऑफिस रे पसिला ईडी। दिल्ली और मुंबई समेत पारोटी स्थान रे ईडी रा रेड। पार्थ अर्पिता, संजय राउत एवं ओडिशार प्रभात विश्वाल ईडी पंजारे। दिल्ली रु केरल, महाराष्ट्र रु पश्चिम बंग आउ ओडिशा परे आज पुणे नेशनल हेराल्ड ऑफिस। गांधी परिवार रो पीछा छाडुनी विवाद। दिन को दिन बढ़ुची नेशनल हेराल्ड मामला। एही मामला रे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पचरा उचरा किछि दिन परे नेशनल हेराल्ड ऑफिस रे प्रवर्तन निर्देशालय रेड करछि। दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड ऑफिस रे सकाळ 10:00 रे चढ़ाव करी हेराल्ड हाउस रो चतुर्थ महला रे ईडी छानबीन चलाइछि। सोनिया को पचरा उचरा पूर्वरु राहुल गांधी को मध्य पचरा उचरा करा जाइथिला। तबे नेशनल हेराल्ड ऑफिस रे ईडी रा रेड चलीथिबा बेले कांग्रेस दल सेठारे आंदोलन करबा सह हंगामा सृष्टि करथिले। ये जो पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला है, जिसमें 2000 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति, जिसमें 2000 करोड़ की संपत्ति जिसका अधिकार हमारे देश के वीरों का था, हमारे देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता के सेनानियों का था, उसको लूट कर एक परिवार की जेब में डालने का जब कार्य किया गया, तो यूपीए की सरकार थी जब एक कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आपराधिक मामले सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज करवाने के आदेश दिए। क्या कोर्ट भी चुप कराने की साजिश कर रहा था और क्या कोर्ट भी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा था? अगर नेशनल हेराल्ड दफ्तर में हर जगह छापे मार कर इस ढंग से अगर आप अपोजिशन को दबाना चाहते हैं तो शायद कांग्रेस पार्टी ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेपड़े पश्चिम बंगर पार्थ चाटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, महाराष्ट्र रे शिवसेना सांसद संजय राउत एवं ओडिशा रा बीजेडी दल रा पूर्वतन टाणो विधायक प्रभात विश्वाल रहिचंती ईडी स्कैनर रे। नेशनल हेराल्ड न्यूजपेपर रे होइतिबा अर्थ हेरपेर नै अभिजोग होइतिला। सर्वसाधारण मालिकाना रे थिबा नेशनल हेराल्ड रो हजार हजार कोटी टंका हड़प्र अभिजोग रहिछि सोनिया राहुल को विरोध रे। स्वाधीनता पूर्वर प्रकाशित होइतिला खबर कागज नेशनल हेराल्ड, जेउधरे संपृक्त थिले जवाहरलाल नेहरू एवं किछि स्वाधीनता संग्रामी, किंतु खबर कागज रा मालिक थिला ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू मालिक नथिले बा तांकर परपीढ़ी आइन तो एहार उत्तराधिकारी नुहंती। गांधी परिवार नारे अभिजोग नेशनल हेराल्ड हजार हजार कोटी टंकार संपत्ति को गांधी परिवार सिंहभाग थिबा कंपनी यंग इंडिया को दिया जाइछि। सुब्रमण्यम स्वामी को केस उपरे निम्न अदालत रु बेल रे अछंती सोनिया राउत। अर्थ हेराफेरी और चंचकता करी सर्वसाधारण अर्थ हड़प अभियोग रे सोनिया और राहुल एबे ईडी तदंतर सम्मुखीन होउछंती। 3000 करोड़ की संपत्ति इसके पास थी, वो 90 करोड़ के कर्जे में बिक गई। ये बात किसी भी सामान्य आदमी के गले नहीं उतरती है। तो इतना बड़ा जो तथ्य है वो सोचें कि ट्विटर पे ट्वीट करके जांच एजेंसियों पे दबाव बना के छुपाने में सफल होंगे तो यह संभव नहीं। ईडी रा एक्शन परे विभिन्न दुर्नीति उपाय रे देशर अर्थ हेरफेर करितिबा नेता, उच्च अधिकारी एवं व्यवसायी एबे आतंक रे। ईडीर शक्त पंजा एवं से कला कारनामा साजिश प्रतबंधक। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।